हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा आपके एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़ में। आज तारीख 6 हो चुकी है, 6 जनवरी 2021 पौष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार रात 2:07 तक रहेगी, उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर रेवाड़ी जुड़ी बड़ी खबरें मिलती है रोजाना, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। वैक्सीनेशन की करी तैयारी, कल के ड्राई रन से पता लगेगा टीकाकरण जो इंजेक्शन है हम उसके लिए कितने तैयार हैं। आपको बता दें जिले में 6 केंद्रों पर 150 स्वास्थ्य कर्मियों पर टीकाकरण होगा, 28 दिन बाद लगेगा दूसरा टीका। कोरोना के बचाव के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 7 जनवरी को जिले में 6 केंद्रों पर ड्राई रन ड्रिल होगी। इस ड्रिल में प्रत्येक केंद्र पर 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जिन हेल्थ कर्मियों के लिए ड्रिल में भाग लेना है उनको 6 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए गए मोबाइल नंबर पर अलर्ट मैसेज भेज दिया जाएगा। ड्राई रन के 15 दिन बाद शुरू हो सकती है टीकाकरण की प्रक्रिया। हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होगी और हमें कोरोना से आज़ादी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। कनीना में गांजा बेचने वाला आरोपी पकड़ा गया और उसने रेवाड़ी में भी गांजा बेचा था। 25 पैकेटों में 56 किलोग्राम बरामद किया गया है गांजा। जिला महेंद्रगढ़ के कनीना में नारनौल सीआई द्वारा गांजा की खेप के साथ पकड़ा गया आरोपी शहर में भी गांजा बेचकर गया था। आरोपी से की गई पूछताछ में जिस बात का पता चला, तब नारनौल सीआई आरोपी ने मंगलवार सुबह अपने साथ लेकर पहुंचे उसके निशानदेही पर शहर के मोहल्ला जैन सभा की बुद्ध विहार कॉलोनी से एक मकान पर छापामारी करवाई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने यहां से 56.390 किलोग्राम गांजा बरामद कर लिया गया है। अब सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिदेड़ी में रंजिश के चलते पीट पीट कर युवक की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि फिदेड़ी गांव में एक युवक जो बैट बॉल खेलने के लिए बाहर गया हुआ था, उसको बैट से और डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके लिए पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। 4 आरोपी उसी गाँव के रहने वाले थे। दिन रात के दौरान जिले में औसत 19.8 mm हुई बारिश, सबसे ज़्यादा कोसली में 34 mm और फिर बावल में 22 mm बारिश हुई है। आपको बताते हैं आसमानी बिजली गिरने से मकान को हुआ नुकसान। गांव रोलियावास में मंगलवार की सुबह एक मकान पर आसमानी बिजली गिर गई। इससे मकान के साथ ही गांव में कुछ अन्य घरों में बिजली उपकरण जल गए। बिजली गिरने से एक भेड़ की भी मौत हो गई है। इस दौरान गांव वालों में भय का माहौल भी है, लोग अपने घरों में दुबके बैठे हैं। गांव निवासी बीपीएल कार्डधारक दिलेश सिंह ने बताया कि मंगलवार की सुबह 7 बजे घर में अपने परिवार के साथ थे, इसी दौरान तेज धमाका हुआ, पूरा घर हिल गया। बिजली गिरने से मकान में त्रेड भी आ गई। अब उस पीड़ित ने जिले सिंह ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है, जिससे उसका कुछ मदद हो सके। आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या मदद करनी चाहिए जिले सिंह की? अगर हाँ तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, ताकि उस बेचारे के जो उस बिजली गिरने से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। ग्राम सचिव पद की परीक्षा के लिए सेंटर दूर होने की वजह से परीक्षार्थियों में चिंता बढ़ रही है। अगर पर्याप्त परीक्षार्थी यानी कि पेपर देने वाले हुए तो चलेगी स्पेशल रोडवेज की। आपको क्या लगता है कि रोडवेज चलनी चाहिए स्पेशल? क्योंकि रेवाड़ी से पानीपत 170 किलोमीटर दूर है तथा करनाल 208 किलोमीटर दूर है, जबकि किसान आंदोलन की वजह से काफ़ी जाम भी हो गया है। क्या इसके लिए सरकार को स्पेशल रोडवेज चलानी चाहिए? बाइक की टक्कर से पैदल जा रहे बुजुर्ग की हुई मौत। आपको बता दें कोसली गुड़ियानी रोड पर गुड़ियानी गांव के निकट सोमवार की रात को बाइक की टक्कर से पैदल अपने घर जा रहे बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार की शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर है। अब पानी बरसने से बारिश होने से थोड़ी सर्दी की राहत भी मिली है, लेकिन ये थोड़े दिन की राहत है, इसके बाद सर्दी बहुत तेज पड़ने वाली है। NH 48 में धरोड़ा रोड पूरी तरह से बंद है। अब राष्ट्रपति को भेजा गया है ज्ञापन। शिवसेना हरियाणा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अरविंद यादव को सौंपकर किसान आंदोलन को समाधान निकालने की मांग की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति किसान प्रतिनिधियों से मिलकर कुछ समाधान निकाल लिए, पूरी कई दिनों से चल रहा है जाम, हाईवे भी जाम है, कई लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। मीरपुर गांव में शव दफनाने के लिए मना किया यूनिवर्सिटी ने, तो गांव वालों ने एक नई जमीन दी शव दफनाने के लिए। मीरपुर गांव में विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से एक महिला की मौत के बाद उसे दफनाने के लिए अपने गेट नहीं खोले, इसके बाद विवाद बढ़ गया, जिससे जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस ने समझाया। इसके बाद पंचायत ने कब्रिस्तान के लिए जमीन दे दी है। तत्पश्चात महिला का नए कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। जब यूनिवर्सिटी बनी तो उन्होंने जमीन खरीदी थी और जिसके कारण कब्रिस्तान भी यूनिवर्सिटी के अंदर चलाया गया था, इसलिए अब यूनिवर्सिटी ने वहां दफनाने से मना कर दिया है, तो वहां के लोगों ने नया कब्रिस्तान। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसी समय, देखते रहिए हमारे चैनल को, देखना ना भूले। धन्यवाद।